सारा चीज बोला। सो प्रभात बच्चों, आज के हम वीडियो में वचन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे वचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज पेज नंबर 38 आपका व्याकरण टेक्स्ट बुक है। ये एक या अनेक वचन पाठ का नाम है। एक अकेला कहलाता एक, एक से जब हो जाते या दो से ज्यादा हो जाते तो मिलकर अनेक कहलाते। यहाँ पर देखिए इसके कहने का अर्थ क्या है। एक अकेला कहलाता एक, कोई वस्तु संख्या में एक है तो हमेशा एक कहलाती है, और एक से ज्यादा होता है तो वो दो कहलाता है, और जब एक से ज्यादा होता है तो मिलकर क्या हो जाते हैं, वो अनेक हो जाते हैं। एक होता है एक वचन और अनेक हो जाते हैं तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। इसी पाठ में हम ये पढ़ने वाले हैं। इस टोकरी में रखे फलों को गिनो। यह टोकरी आपको दिखाई दे रही है और इसमें कह रहा है रखे फलों को गिनो और नीचे लिखी उनकी संख्या पढ़ो। शरीफा कितनी है, देखिए शरीफा कितना है, एक है। तरबूज कितना है, तरबूज भी एक है। अनार, अनार भी एक है। सेब, सेब दो है। केले, केले एक दो तीन है। और आम, एक दो तीन चार, चार आम है। तो कहने के तात्पर्य क्या कह रहा है कि कोई भी चीज जब एक से ज्यादा होती है तो क्या कहते हैं हम उसे, यस हम उसे कहते हैं अनेक कहते हैं, और अनेक को हम बहुवचन दूसरा रूप में कहते हैं। तो कोई भी चीज जब एक से ज्यादा होती है तो उसे हम एक अनेक कहते हैं। यहाँ सेब, केले और आम एक से ज्यादा है, मतलब अनेक संख्या में है। जिस शब्द से एक या अनेक होने का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे केला हमारा कितना है, एक है, और वही अगर एक से ज्यादा होगा तो उसे बहुवचन में हम क्या कहेंगे, हम केले कहेंगे हम। तो हमने वचन की परिभाषा क्या सीखी कि जिस शब्द से एक या अनेक होने का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे वचन कहा जाता है। अब देखिए, अब कुछ एक अनेक शब्द देखें, जैसे छाता। छाता क्या है, संख्या में एक होती है। हमें अगर घर में हम मानते हैं किसी से छाता ला तो हम एक मांगते हैं, लेकिन हमारे घर में एक से ज्यादा लोग हैं, बारिश का मौसम है, वो जा रहे हैं बाहर, तो हम क्या मांगेंगे, छाते लाइए। तो छाता का बहुवचन छाते। लड़का एक है, लेकिन हम एक से ज्यादा कक्षा में हमारे लड़के हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें लड़के कहेंगे, मतलब हम उसको बहुवचन में लड़के पुकारेंगे। लेकिन अगर आप अपने घर में एक हो तो आपको लड़का कहा जाएगा, तो लड़का का लड़के। तारा जो हमारे आकाशमंडल में होता है, बहुत सारा तारा, एक को हम कहेंगे, किसी स्पेशल विशेष तारा का नाम लेंगे तो उसको तारा कहेंगे, और पूरे जो मंडल में हमारे आकाश में है तो उनको हम तारे कहते हैं। केला, तो उसका बहुवचन केले होता है। सड़क, उसका बहुवचन सड़के होते हैं। आंख, अगर एक को हम बोलेंगे तो आंख बोलेंगे, और दोनों का हम प्रयोग करेंगे तो उसको हम आंखें बोलेंगे। तितली, तितलियां, जैसे हमारे घर में कहीं कहीं कभी कभी तितली आ जाती है, लेकिन अगर हम बगीचे में जाएं तो हमें बहुत सारी तितलियां देखने को मिलती हैं। गाड़ी, गाड़ियां। लड़की, लड़कियां। बकरी, बकरियां। माला, मालाएं। कक्षा, कक्षाएं, जैसे आपके स्कूल में अगर आप कहेंगे हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड कक्षा तो एक हुआ कक्षा, लेकिन आपके स्कूल में कितनी सारी कक्षाएं हैं आपको बोला जाएगा तो वो कक्षाएं कहे जाएंगे, लेकिन आपका क्लास, आपका सिर्फ कक्षा कहा जाएगा। तो कक्षा एक वचन में और कक्षाएं बहुवचन में प्रयोग होती है। तो हमने क्या जाना कि आज हमने वचन के बारे में जाना, एक को अनेक में बदलना या अनेक को एक में बदलना क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। क्या कहलाता है, वचन कहलाता है।